अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ झटपट और जल्दी बनने वाला कोई शाम का नाश्ता आपको शेयर कर रही हूँ। पोहा की रेसिपी है, तो चलिए आपको मैं बताती हूँ किस तरह से बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है पैन में, और इसी के साथ मैंने 1 कप पीनट्स लिए हुए थे, उसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। साथ ही में मैंने यहाँ पे पोहा लिया था और इसी को मैंने वॉश करके स्ट्रेनर में इसको छानने रखा है कि सारा पानी अच्छे से निकल जाए। और यहाँ पे मैं पैन में पीनट्स को फ्राई कर लूँगी, हल्का गोल्डन कर लूँगी ब्राउन, कि हल्का ये भुन जाए। इसका भुनने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये जल्दी बनके तैयार हो जाता है। आपको शाम में हल्की फुल्की भूख लगे या मन करे कुछ खाने का, तो आप इसे जल्दी से जल्दी बना के आप खा सकते हो, और फैमिली या कोई बाहर मेहमान आए तो आप इसे सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए पीनट्स फ्राई हो चुके हैं, मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कर चुके हैं उसका बहुत शुक्रिया, और लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाल लिया है पीनट्स को, और मैं यही ऑयल में इसमें ऑनियन डाल रही हूँ। उसके पहले मैंने हल्का सा राई और ज़ीरा और करी पत्ता डाल के हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया था, वो वीडियो की क्लिप्स थोड़ी स्किप हो गई। मैंने उसको रोस्ट करके हल्का सा जीरा और राई और करी पत्ते को, फिर मैंने ऑनियन ऐड किया है 2 मीडियम स्लाइस के, मैंने अच्छे से इसको बारीक सा फाइनली चॉप कर लिया था ऑनियन को, और साथ ही में मैंने ग्रीन चिल्ली भी ऐड किया है, मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो ज़्यादा ऐड करें, मैंने 2 से 3 ग्रीन चिल्ली ऐड किया हुआ है। इसे अच्छे से हल्का सा मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी ऑनियन को। और इसे फ्राई करके फिर इसके आगे का मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। सो देखिए हल्का सा गोल्डन हो चुका है, हल्का सुनहरा हमारा ऑनियन प्याज। तो इसके बाद मैं इसमें है ना हल्दी पाउडर ऐड कर लूँगी, और सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करना है हमें इसमें। तो हल्का सा मैं इसे पहले हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी, और फिर इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। हाफ स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और फिर इसी के साथ मैं सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मिक्स होने के बाद मैंने जो पोहा रखा था स्ट्रेनर में पानी निकलने के लिए जो धोखे, वो इसमें ऐड कर लेंगे। ऐसे जल्दी से जल्दी बनके 2 से 3 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। अगर हमारा प्याज वगैरह कटा हो तो जल्द से जल्द बन जाता है, और बहुत ही यम्मी और हल्का फुल्का नाश्ता होता है ये। तो आप इसे सुबह भी ले सकते हो, शाम के वक्त भी ले सकते हो, एनी टाइम आप इसे ले सकते हो, खा सकते हो, या लंच या ब्रेक किसी टिफ़िन में भी आप इसे दे सकते हो। बहुत ही मज़े से लोग इसे इंजॉय करते हैं। तो इसे मैं इस पोहा को ऐड करके इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ऐसा कलर देख रहे हो, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से कलर आ चुका है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही में मैं जो पीनट को रोस्ट कर लिया था, फ्राई करा था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। और इसी के साथ मैं 1/2 चम्मच शुगर का ऐड कर रही हूँ, चीनी का। चीनी का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इसमें हल्का सा मैंने नींबू का रस भी ऐड किया था 1/2 स्पून। खट्टा मीठा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली हमारा पोहा बनके तैयार है, और उम्मीद करती हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।